दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विराट प्रेडिक्शन में। आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं IPL 2024 के 47वें मुकाबले के बारे में। कहां पर होगा मुकाबला, कैसा रहेगा पिच रिपोर्ट, कौन सा टीम किसके ऊपर भारी पड़ने वाला है, कितने बजे से शुरू होगा मुकाबला, सारी जानकारी आपको स्टूडियो में देखने को मिलेगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल विराट प्रेडिक्शन को। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर मिलेगा आपको सभी लीग के क्रिकेट मैच रिपोर्ट जैसे IPL, BBL, PSL, T20I, ODI और भी सभी लीग के मैच प्रेडिक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो भी 98% एक्यूरेसी के साथ। तो बिना किसी देरी के अभी ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल विराट प्रेडिक्शन को। दोस्तों IPL 2024 का 47वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 29 अप्रैल सोमवार को खेला जाएगा और ये मुकाबला आपको शाम के 7:30 बजे से देखने को मिलेगा और ये मुकाबला ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता में खेला जाएगा। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स अपना पिछला मुकाबला मुंबई इंडियंस को हरा के आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स अपना पिछला मुकाबला पंजाब किंग्स से हार के आ रही है। अब बात करते हैं ईडन गार्डन कोलकाता के वेन्यू स्टेट्स के बारे में। यहां पर टोटल मैचेस 91 खेले गए जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करते हुए 38 मुकाबला जीती है और सेकंड बैटिंग करते हुए 53 मुकाबला जीती है और टाई यहां पर 0 मुकाबला हुआ है। एवरेज स्कोर के बारे में बात करें तो फर्स्ट बैटिंग करते हुए 167 रन, हाईएस्ट स्कोर इस मैदान पे 261 रन है और लोएस्ट स्कोर इस मैदान पे 49 रन है। अब बात करते हैं स्कोरिंग पैटर्न के बारे में। यहाँ पर 150 से नीचे का स्कोर 27 बार रहा है, 150 से 169 के बीच का स्कोर 19 बार रहा है, 170 से 189 के बीच का स्कोर यहाँ पर 27 बार रहा है और 190 से ऊपर का स्कोर यहाँ पर 18 बार रहा है। अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। यहाँ पर फिलिप्स और उसके बाद सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर टीम की कमान संभालेंगे यानी कि कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद रमनदीप सिंह, अंगक्रिस रघुवंशी, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, दुष्मंता चमीरा और अनुकूल रॉय इम्पैक्ट प्लेयर्स के रूप में। तो दोस्तों ये सब प्लेयर कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। यहाँ पर जैक फ्रेशर, मैक गर्क, अभिषेक पोरेल, साई होप, ऋषभ पंत टीम की कमान संभालेंगे यानी कि कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद त्रिस्टान स्टबर्स, अक्षर पटेल, रसिक सलाम, लिजाद विलियम्स, मुकेश कुमार, खलील अहमद, कुमार कुशाग्रा, रसिक सलाम इम्पैक्ट प्लेयर्स के रूप में। तो दोस्तों ये सब प्लेयर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है। अब बात करते हैं इन दोनों के टॉप बैटर्स और बॉलर्स के बारे में। यहाँ पर टॉप बैटर्स में ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 371 रन बनाए हैं और सुनील नारायण ने कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से 357 रन बनाए हैं। फिलिप्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से 324 रन बनाए हैं। त्रिस्टान स्टबर्स दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 273 रन बनाए हैं। जैक फ्रेशर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 247 रन बनाए हैं अब तक। अब बात करते हैं टॉप बॉलर्स के बारे में। यहाँ पर मुकेश कुमार दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 13 विकेट लिए हैं। कुलदीप यादव दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 12 विकेट लिए हैं। खलील अहमद दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 12 विकेट लिए हैं। सुनील नारायण ने कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से 10 विकेट लिए हैं और आंद्रे रसल कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से 9 विकेट चटकाए हैं अब तक। अब बात करते हैं टीम कॉम्पोजिशन ऑफ द लास्ट 10 मैचेस के बारे में दिल्ली कैपिटल और कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में। यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने 10 मुकाबलों में से 6 मुकाबला अपने नाम किया, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स ने 10 मुकाबला में से 5 मुकाबला अपने नाम किया है। एवरेज स्कोर के बारे में बात करें तो 199 रन कोलकाता नाइट राइडर्स का और 185 रन दिल्ली कैपिटल्स का। हाईएस्ट स्कोर के बारे में बात करें तो 272 रन कोलकाता नाइट राइडर्स का और 257 रन दिल्ली कैपिटल्स का। लोवेस्ट स्कोर के बारे में बात करते हैं 137 रन कोलकाता नाइट राइडर्स का और 92 रन दिल्ली कैपिटल्स का। अब बात करते हैं इन दोनों के हेड टू हेड के बारे में, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। इन दोनों के बीच 33 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से कोलकाता नाइट राइडर्स ने 16 मुकाबला अपने नाम किया, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने 17 मुकाबला अपने नाम किया है। एवरेज स्कोर के बारे में बात करते हैं 154.1 कोलकाता नाइट राइडर्स का और 156.4 दिल्ली कैपिटल्स का। मैक्सिमम स्कोर के बारे में बात करें तो 228 रन कोलकाता नाइट राइडर्स का और 272 रन दिल्ली कैपिटल्स का। मिनिमम स्कोर के बारे में बात करें तो 98 रन कोलकाता नाइट राइडर्स का और 97 रन दिल्ली कैपिटल्स का। दोस्तों अब बात करते हैं ड्रीम 11 मैच प्रेडिक्शन के बारे में। यहाँ पर टॉस विनर दिल्ली कैपिटल्स रहेगी, तो वहीं मैच विनर कोलकाता नाइट राइडर्स रहेगी। दोस्तों फाइनल अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विराट प्रेडिक्शन पर देखने को मिलेगा, तो बिना समय गवाए जल्दी से ज्वाइन करो हमारे टेलीग्राम चैनल विराट प्रेडिक्शन को, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।